दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत कंपलसरी हो चुका है। दिल्ली ने हाई कोर्ट ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भैया आजकल बहुत सारे अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं। एसटी और माइनॉरिटी जो भी अलग अलग हैं उनके बीच क्रॉस करेक्शन हो रहा है, किसी का भी दिल किसी पे आ जा रहा है। कुछ लोग तो भाई कुछ लोग ऐसे ही शादी कर लेते हैं। तो भैया एक महिला थी जो कि एसटी थी, यानी कि जनजाति की थी, तो जनजाति की औरत ने कहा भैया मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं एसटी हूँ, यानी मीणा जनजाति। तो कह रही है कि भाई मेरे ऊपर शादी तय नहीं होगी, क्योंकि भैया मैं हिंदू मैरिज एक्ट को नहीं मानती हूँ, मैं एसटी यानी जो शेड्यूल ट्राइब है उनमें आती हूँ भाई। तो भाई इसीलिए वो लोग तलाक नहीं मानेंगे। लेकिन कांड ससुरा तब हुई गवा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पलट दिया मामला। उसने कहा तुमने हिंदू मैरिज एक्ट से शादी की है तो तुमको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही तलाक देना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि देखो भैया जो केंद्र सरकार है भाई उसको स्पेशल मैरिज एक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लाना ही पड़ेगा, वरना भाई कितने केसेस हम सुनाएंगे, कितने केसेस हम कहेंगे भाई कि ये उस धर्म का तो अलग फैसला, ये उस धर्म का तो अलग फैसला। ये घटिया बवाल नहीं चलेगा और ये नैतिकता होनी चाहिए भाई कि इसको मानना पड़ेगा भाई। कितनी सारी जातियाँ हैं भारत में, कितने सारे धर्म हैं भाई, कन्फ्यूज़न तो हो जाती है भाई। कोई जाति किसी को ये नहीं पता होगा कि शेड्यूल ट्राइब में कि नागालैंड में बहुत सारी प्रजाति जनजाति हैं, उनकी शादी के नियम कुछ अलग अलग हैं भाई, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है भाई। देखते हैं आगे क्या होता है भाई।